हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवीन गुप्ता। वेलकम टू संस्लो क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हो, लेक्चर्स भी देख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक के डिफरेंसेस के बीच में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनको कि हम शॉर्ट फॉर्म में NBFI भी बोलते हैं, इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में मोस्टली MBA में या BBA में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझें, बहुत इजी है। पहला क्या, अगर हम समझें, बैंक इज अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी दैट एम्स एट प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू जनरल पब्लिक। जो बैंक होता है वो क्या है, एक गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होती है जिसका मेन एम, मेन मकसद क्या है, बैंकिंग सर्विसेज को देना जनरल पब्लिक को। ठीक है, वाइल NBFI का क्या रहा, NBFI इज अ कंपनी, ये क्या है, एक कंपनी है दैट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज, ये भी बैंकिंग सर्विसेज देती है बट विदाउट होल्डिंग अ बैंकिंग लाइसेंस। इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता, इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस होता है। क्लियर, पहला डिफरेंस। सेकेंड, इनकॉर्पोरेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये जो इनकॉर्पोरेट है बैंक्स, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड है। और NBFI ये कंपनी एक्ट 1956 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, दे एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। क्लियर, नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व रेशियो इज कंपल्सरी। जो CRR है, SLR है, उसको इनको मेंटेन करना कंपल्सरी है, लेकिन NBFI के लिए ये रिजर्व रेशियोज मेंटेन करना रिक्वायर्ड नहीं होता। क्लियर, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक। जो ट्रांजेक्शन सर्विसेज होती हैं वो बैंक प्रोवाइड करता है, लेकिन जो NBFI होती है ये ऐसी ट्रांजेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। एक पॉइंट लिखना रह गया, बता देता हूं कि जो बैंक होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि बैंक चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और NBFI चेक की फैसिलिटी कभी भी प्रोवाइड नहीं करा सकता। क्लियर, नेक्स्ट इज इट इज क्वाइट वेरी डिफिकल्ट टू गेट द लाइसेंस ऑफ फॉर अ बैंक। अगर आपको किसी बैंक के लिए लाइसेंस लेना है तो वो एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन अगर आपको NBFI के लिए लाइसेंस लेना है वो कंपैरेटिवली बहुत इजियर होता है और रजिस्ट्रेशन करवाना भी बहुत आसान होता है। क्लियर, आई होप आपको बैंक और NBFI के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशन कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, G.Nirmit के नाम से मेरी ID है, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।